हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन किसी और ने दे देंगे क्योंकि स्टोरी इम्पॉर्टेंट है। इस जगह पे आने का प्लान उस दिन बना था जब हमारे यार का बर्थडे था। अब यारों ने प्लान तो कर दिया, आप ना नहीं बोल सकते हैं। आपकी हाँ बोलने के लिए आपकी फेक स्माइल इम्पॉर्टेंट है। तो चले सफ़र की शुरुआत करते हैं, महीने वाले सफ़र की नहीं, SUFFAR वाली सफ़र की शुरुआत। सबसे पहले गाड़ी घुमाओ, पेट्रोल डाल दो और निकलो अपने सफ़र की तरफ। गुलमर्ग पहुंचने के बाद गुलमर्ग हम चाहे तो ऐसे भी पहुंच सकते थे, लेकिन कुछ लोगों को रोड देखने का मन था। हमने कहा हटाओ यार, मरने दो। हाँ तो हमारी बात की कदर इनको आ ही गई। जब आधे रास्ते में गाड़ी गर्म हो गई थी और गाड़ी ठंडी होने में बहुत टाइम लगा। जब तक गाड़ी ठंडी हो रही थी तब तक आपका भाई 360 डिग्री वाले शॉर्ट्स लेने में एंजॉय कर रहा था। ये वो मोमेंट है जब हमें लगा था नहीं यार भला टली, लेकिन आप बोल कैसे सकते हैं। पनौतियों की जमात तो गाड़ी में बैठी है जिन्होंने गाड़ी की चेन 2 किलोमीटर पीछे छोड़ दी थी, जिसको लाने के लिए लिफ्ट लेने की ज़रूरत पड़ी। रात के 10 बजे गुलमर्ग पहुंचते हैं तो फिर होटल नहीं, हट में बैठना पड़ता है और मुश्किल से ये हट भी मिला। तो कृपया करके ध्यान रखें, अगर आपने बुखारी आज तक नहीं जलाई है तो इस चीज़ के साथ ना करें, क्योंकि आप तो चेहरा जला ही दोगे, साथ में आईब्रोज का जनाजा भी निकाल दोगे। गर्मी करके खाना खा दो, उसके बाद कुछ दोस्तों की पागलपन वाली हरकतें देख लो, जैसे ये किसी मूवी का नाम बता रहा था और हमारे दिमाग में भी मूवी का डायलॉग आ गया, मालिक लस्सी मांग रहा है। पहली रात जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से काट ली। तो ये तो यहाँ पे हट्स वगैरह जो होते हैं गुलमर्ग में, तो इनमें हमने स्टे किया रात के लिए। तो कुछ फ्रेंड के फ्रेंड से यहाँ पे तो उन्होंने अपने पास बिठाया। पहुँचते ही आप ऐसी वाली हरकतें नहीं करना, यू कैन थैंक मी लेटर और नॉट। सिकी बूट्स अच्छे देख लो, बोर्ड भी अच्छा देख लो, प्रैक्टिस कर लो और निकल पड़ो। रेस दोस्तों से हो रही हो और आपको पहले नंबर पे ज़रूरी आना है, क्योंकि वरना फिर ये पूरी ज़िंदगी आपका बी फॉर चमत्कार करते रहेंगे। अगर आप खाली स्लोप पे चलाना जानते हैं तो ज़्यादा दूर ना जाया करें, यू कैन थैंक मी लेटर। आपके दोस्त ज़्यादा गिरते हैं आपसे वो आपके लिए बेनिफिट पॉइंट होगा, लेकिन अगर आप इनसे ज्यादा गिरते हैं तो बी फॉर चमत्कार वाली स्टोरी याद रख लेना। और अगर सिकी करके गिर के उठ के भी आपका पेट ना भरे ना, आखिर में ये हरकत करना नहीं भूलना, क्योंकि दिल का पेट भरने के लिए 100 अटेम्प्ट है बाबू। आप गुलमर्ग आए और गुलमर्ग में यह हरकत नहीं की तो आप गुलमर्ग आए क्यों?